हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। आज कुछ ऐसे ऐसे अनोखा टिप्स लेकर आया फ्रेंड्स, जो बहुत काम का है। तो चलिए देखते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम जब कॉटन लगाते हैं तो दोनों कॉटन के बीच में गैप दिखता है। गैप की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। जब भी हमारा घर के ऑपोजिट में किसी का रूम हो या रोड हो, तभी हम क्या करें, कॉटन्स को कैसे लगाएं फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने दोनों हाथ पे दोनों कॉटन्स लिया फ्रेंड्स, और दोनों कॉटन्स का फर्स्ट एक नंबर कॉटन्स का मैंने सिंगल वाला रिंग से यूज़ किया, दूसरा वाला कॉटन्स को दो नंबर रिंग से यूज़ किया, एक नंबर को मैंने छोड़ दिया। ऐसा करके कॉटन लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम लगाए तो दोनों के बीच में थोड़ा भी गैप नहीं दिखेगा। चाहे कितना भी हवा आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ऐसे करके आप भी लगाएंगे तो जब भी आप लोगों के ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो ये प्रॉब्लम और नहीं रहेगा। थोड़ा भी खर्चा भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए मेरा कॉटन्स कैसे अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। टिप्स नंबर टू है फ्रेंड्स, जब भी जिस कंटेनर पे हम चावल को रखते हैं, और चावल रखने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है, कभी कभी कीड़ा आता है। जब भी हम वैकेशन में घूमने जाते या गांव जाते, उसके वजह से क्या होता है, चावल को पूरा फेंकना पड़ता है, ख़राब हो जाता है, कीड़ा आधा चावल खा ही लेता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, जब भी हम किधर भी जाए तो चावल के डब्बे में फ्रेंड्स एक हींग का डब्बा, जो हींग बहुत स्ट्रांग हो ऐसा डब्बा लेने का हींग का, और बीच में रख देने का। रखने के बाद अच्छे से चावल को जैसे हम पैकिंग करते हैं थैली से या जो भी ढक्कन लगा देने का, तो इसके वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, चावल में थोड़ा भी कीड़ा नहीं लगेगा। तीसरा टिप फ्रेंड बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, पैसा बहुत बचत होगा। क्या टिप्स, देखिए पहले मेरे पास जो एक्स्ट्रा दिया था वो नया दिया है फ्रेंड्स, उसको मैंने गैस के चूल्हा पे रख दिया, और दूसरा साइड पे मैंने चाय को गर्म करने दिया। और जब भी चाय ऐसे गर्म होता है, उबलता है फ्रेंड्स, गिरने का चांस रहता है। चाय हो, दूध हो, चावल का पानी हो, उस टाइम फ्रेंड्स क्या करने का, एक चम्मच का ऐसे रखने से क्या होता है, चावल का पानी हो, दूध हो, चाय हो, गिरेगा नहीं। और फ्रेंड्स, जो दिया मैं गर्म कर रही थी, तो अभी क्या करने का, इसको चाय के अंदर डाल देने का। तो चाय कौन सा चाय बन जाएगा, तंदूरी चाय, जो मार्केट में बहुत महंगा मिलता है। तो हमारा पैसा बचत हुआ कि नहीं, और इसका टेस्ट बहुत सुंदर होता है फ्रेंड्स, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए, एंड आप सबको बाय बाय फ्रेंड्स।